जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान ने मैदानी रामलीलाओं में यूनेस्को द्वारा इस रामलीला को विश्व में एक नंबर माना है, क्योंकि यहां पर असली तीर तलवारों भालाओं से युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है। इस कारण से यहां पर युद्ध देखने के लिए नगर व ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों की संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। पुलिस कप्तान संजय वर्मा से हमारे संवाददाता ने क्या कुछ पूछा, आप भी सुनिए। जो हम लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमारे डीएम साहब, पूरे यूएसडीएम और सभी इंस्पेक्टर, आप देख रहे हो पूरे दलबल के साथ किया जा रहा है। यहाँ तो यहाँ की रामलीला बड़ी थोड़ा सा बड़ी होती है, और उसके लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी हम लोग उसका भ्रमण करने आए थे, और फोर्स का मूल्यांकन करना तथा इसी समय देखिए आपने कई अतिक्रमण थे, कई गाड़ियाँ जो उसकी थोड़ा सा गड़बड़ चल रही थी, जिनके काले शीशे लगे हुए थे, कुछ जातिगत जो है गाड़ियों में मना है, ये जाति संबंधी कोई भी कमेंट नहीं लिखा जाएगा, उस तरह की भी गाड़ियाँ कुछ थी, उन पर चालान किया गया है, कुछ सीज भी किया गया है, कुछ दुकानों को आपने देखा होगा कि बढ़ करके जो है अतिक्रमण कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में फूड पेट्रोलिंग का उद्देश्य होता है कि एक तो आदमी पुलिस के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ता है जनता का, अपराधियों में एक डर बैठता है, साथ ही साथ लड़कियों में महिलाओं में एक सुरक्षा का भाव आता है, और मिशन शक्ति भी शुरू होने वाला है। इसी परिदृश्य में ये जो है हम लोग के सामूहिक रूप से डीएम साहब द्वारा और हमारे द्वारा पूरी टीम के साथ जो है इसका भ्रमण किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य था शांति व्यवस्था बनाए। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, साथ ही साथ कोई सूचना हो, कहीं पर कोई बात हो, कोई महिला संबंधी अपराध ना करें, पहली बात तो किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ छेड़खानी ना करें, साथ ही साथ अगर ऐसी कोई बात आती है तो संज्ञान भी लाएं, आपका नाम गोपनीय रहेगा, कहीं अपराध पल रहा हो, कोई बात हो रही हो ऐसी जो कि अपराध भविष्य भी हो सकता है, तो निश्चित तौर से पुलिस प्रशासन के संज्ञान में लाएं कि हम लोग सख्त कार्रवाई कर सकें।